झारखंड सरकार के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी सौरभ राय ने खास बातचीत की राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से। देखें इस रिपोर्ट के जरिए। राज्य सरकार ने अपने 1000 दिन पूरे कर चुके हैं और ऐसे में हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी। सर, आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में। सर, एक के बाद एक सौगात मिला है झारखंड सरकार की ओर से, चाहे हम बोले खतियान की तरफ रुख या फिर पेंशन योजना, आगे की क्या कुछ योजना आप लोग लाएंगे और क्या कुछ रणनीति रहेगी? हमारा थीम है आपका दिसुम आपका राज। तो हमारे जो फैसले हो रहे हैं कैबिनेट में, वो इस संदर्भ में आपको सही लगते होंगे कि सही में आपका दिसुम आपका राज आ गया है और हम लोग सभी का ख्याल रखते हुए सब चीज़ों पर फैसले ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम सभी मिनिस्टर्स, गठबंधन दल के सभी साथी, सब लोग इस पर जो हमने वादे करके आए हैं वो भरसक कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पूरी करें। सर, एक और सवाल रहेगा आपसे, कृषि मित्रों को दुर्गा पूजा में क्या कुछ स्वागत मिलेगी आप उन लोगों के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई थी, तो जो अलाउंसेस हैं पहले केसीसी करने का, अभी उनको 100 रुपया हमने कर दिया है, फिर प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि कर दी है और भी आने वाले दिनों में हम, वो हमारे अभिन्न अंग हैं, हम उनके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि दुर्गा पूजा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम और राजद की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और आरोपियों को बचाते हैं। बिल्कुल निराधार है। आपने देखा किस प्रकार से इन्होंने सभी मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। रफ्तार मीडिया से कैमरामैन मुकेश के साथ मैं सौरभ राय, रांची।